अरिष्टासुर नाम का राक्षस आया है, श्री कृष्ण ने उसको मार दिया, उसका वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। और जब उसका उद्धार करके निकुंज में आने लगे राधा रानी के पास, गोपियों ने रोक दिया, बोले महाराज गौ हत्या लग गई है आपको, नहा के आओ। बोले कहां जाएं? बोले जितने तीर्थ है भारतवर्ष के सब में जाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अजी इतने तीर्थों में नहाने जाएंगे तो हम तो बुढ़े ही हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती है महाराज अब तो जब ही राधा रानी के समीप आओगे, जब स्नान करके शुद्ध होकर आओगे। देखो प्रेम की लीला कैसी है, जो सब जिनका नाम सबको शुद्ध करे, जिनका दर्शन सबको महा पवित्र कर दे, आज उनको गोपियां कहती है पवित्र होकर आओ। श्री कृष्ण मान गए, तीर्थों का आवाहन किया अपनी वंशी से और मिट्टी खोदी, कुंड बना दिया और सब तीर्थों को बुलाया। सब तीर्थों ने अपना जल उसमें डाल दिया, नाम रख दिया कृष्ण कुंड। बोलो कृष्ण कुंड की। गोपियों को लगा लो ये तो स्नान कर लिए, गौ हत्या छोड़ दी पानी में, पानी सांवला सांवला हो गया, अब निकुंज में आने लगे तब कौन रोके उनको। निकुंज में आ गए राधा रानी के समीप और क्या कहते हैं, कन्हैया हमारे बड़े चंचल है, का कह रहे खबर है? कन्हैया कह रहे देखो देखो मेरा कुंड कितना सुंदर है, कितना बढ़िया कुंड है और मेरे नाम को कुंड है। गोपियों तुम्हारो मन हो तो नहा लो। गोपी कह रही है अजी हम तुम्हारे गौ हत्या वाले पानी में काय को नहावे, तुम्हारो पानी तो कारो कारो पर गए हो। अच्छा तो हमें चिढ़ाए रहे हो कि तुम्हारे नाम को कुंड है, हम अपनी राधा रानी के नाम से कुंड बनावेंगी। गोपी ने राधा रानी से प्रार्थना करी, अपने कंकड़ से राधा रानी ने मिट्टी निकारी और गोपी ने मिलके कुंड को निर्माण कर दियो। अब कुंड तो बन गयो, जल कहां से आवे। गोपी कह रही है अजी हम जल लेवे मानसी गंगा जा रही है। श्याम सुंदर बोले अरे गोपियो मानसी गंगा ते भर भर के मटकी जल लाओगी या कुंड को भरोगी तो बूढ़ी है जाओगी, और बूढ़ी ना होगी तो आधी घिस जाओगी, छोटी है जाओगी। तो एक काम करो मेरे कुंड में ते जल लेके अपने कुंड में भर ले। गोपी तैयार ना भाई, ना ना महाराज तुम्हारा ये गौ हत्या को जो पाप है या जल में छूटो भाई, हम ना ये जल को लेके आ। तो श्री कृष्ण ने राधा रानी से प्रार्थना करी जितने तीर्थ आए हैं जिनने मेरी सेवा करी जल डाल के, वे सब तीर्थ खड़े हैं क्योंकि उनके मन में यही विश्वास है कि सेवा तो करी पर अभी पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण कब होगी? जब राधा रानी हमारी सेवा स्वीकार कर ले। श्री कृष्ण ने विनती करी कि इनकी बात स्वीकार कर लो, इनके जल को स्वीकार करो। राधा रानी ने कही ठीक है। तो श्री कृष्ण कितने चतुर हैं, बोलो प्रेम ते राधे राधे। मेरे हाथ के इशारे को देखियो आप लोग। श्री कृष्ण ने उन तीर्थन ते कही तीर्थगणों आओ अपनो अपनो जल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। सब तीर्थ आए अपनो जल डालो राधा कुंड में और निकल गए राधा कुंड में और अब तो महाराज जब जल सो परिपूर्ण है गयो राधा कुंड, तब गोपी ने राधा रानी के संग जल विहार कियो, स्नान कियो। और ललिता सखी स्नान करते करते जब जल में भीतर प्रवेश कर गई तब तैरवे लगी, और तैरते तैरते महाराज जैसी डुबकी लगाई तो राधा कुंड में डुबकी लगाई और कृष्ण कुंड में थे बाहर निकसी। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो राधा कुंड में थे बाहर निकसी। यहां डुबकी लगाई तो कृष्ण कुंड में थे। अब तो आश्चर्य में डूब गई, जे भयो का जे कुंड तो अलग अलग है, जे एक कैसे है गए। श्री कृष्ण से कहवे लगी क्यों जी आपने कहा चंचलता करी बताओ। श्री कृष्ण कह रहे गोपियो तुम चाहे कितनी बुद्धि लगाए ले हो, हम दोनों को अलग अलग करवे को पर तुम कर ना सको। हम तो सदा के एक हैं, सदा एक ही रहवे वाले। जब हमने तीर्थन दे कही कि जल डारो तो सब तीर्थ आए,
और तुम्हारे कुंड में जल डाल के हमारे कुंड में थे बाहर निकस ले गए, अपने आप ही रास्ता बन गयो। बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी भी आप जाएंगे राधा कुंड कृष्ण कुंड का दर्शन करने तो बीच में महाराज दोनों कुंड मिले हुए हैं, आज भी वही। तो एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की अहलादनी राधा और अहलादनी के आनंद श्याम, दोनों एक ही स्वरूप है, दो नाम है।